अगर समर्पण का भाव रख करके, ईश्वर का भाव रख करके गुरु की सेवा कीजिएगा, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, भौतिक उन्नति के साथ साथ आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। भौतिक उन्नति, बाहर में आपकी उन्नति होगी, संसार में आपकी उन्नति होगी, साथ साथ भीतर में आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। आप साधन में आगे बढ़ेंगे, भजन में आप आगे बढ़ेंगे, अगर गुरु की कृपा हो गई तो। गुरु की कृपा तभी होगी जब गुरु के प्रति समर्पण का भाव रखेंगे, ईश्वर का भाव रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनकी कृपा होगी। भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति। सज्जनों, इस पर मैं आप लोगों को दो प्रसंग सुनाऊंगा, दो ही प्रसंग में लगभग समय पूरा हो जाएगा, इसलिए आप लोग दक्षित होकर के ध्यान से सुनिए। हम लोगों के सदगुरु महाराज महर्षि मही ब्रह्मा जी महाराज, जिनकी यहाँ तस्वीर लगी हुई है, सज्जनों जब ये सौ शरीर में थे तब की बात है। महर्षि संत श्री ब्रह्मा जी महाराज के मुखारविंद से मैं अनेकों बार सुना हूँ और अभी भी उनके प्रवचन में है, अब मोबाइल में भी ये प्रवचन घूम रहा है, अगर कोई देखना चाहे तो यूट्यूब में भी देख सकते हैं, मोबाइल से भी देख सकते हैं, कोई बनावटी बात नहीं है। सज्जनों, सदगुरु महाराज जी भागलपुर में निवास करते थे, वहाँ रहते थे। एक गरीब आदमी थे जो बराबर गुरु महाराज जी के पास आते जाते रहते थे। सज्जनों, एक दिन सदगुरु महाराज जी उनको कहा, हमें कटहल खाने की इच्छा है, कटहल खिलाओ। कटहल का सीजन नहीं था, तब भी गुरु महाराज जी ने कहा कटहल खिलाओ। गरीब आदमी था, लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि हुजूर अभी तो कटहल का सीजन नहीं है, तो कटहल कहाँ से ला करके देंगे, सोच सब कुछ नहीं कहा। कहा ठीक है, जो ला करके खिलाएंगे। गए घर, अपने पुत्र को बोले जाओ भागलपुर बाजार में देखना कहीं पका हुआ कटहल है। पुत्र भागलपुर गए बाजार, पूरे बाजार में खोजे, कहीं पका हुआ कटहल नहीं। पका हुआ कटहल की बात तो सुनिए, कच्चा कटहल भी नहीं था। पुत्र लौट करके आए, पिताजी को बोले पिताजी अभी तो कटहल का सीजन है नहीं, पका कटहल की बात तो सुनिए, कच्चा कटहल भी नहीं था। पिताजी भी समझते थे भी कटहल का सीजन नहीं तो कहाँ से मिलेगा, लेकिन गुरु महाराज जी बोले हैं तो प्रयास तो करना चाहिए। सज्जनों, कोई आदमी कलकत्ता जा रहे थे, उनके जान पहचान के, उनको बोले आप कलकत्ता जा रहे हैं तो अपना काम तो कर ही लीजिएगा, हमारा भी थोड़ा काम कर लीजिए। इनके मन में था कलकत्ता बहुत बड़ा शहर है, वहाँ कटहल मिल जाएगा। उनको बोले जाइएगा कटहल खोजिएगा, अगर मिलेगा तो कटहल ले लीजिएगा, गुरु महाराज जी को देना। वो भी आदमी कहता ठीक है, जब जा ही रहा हूँ कलकत्ता तो फिर अपना काम होगा तो फिर कटहल भी खोज लूँगा। गए, अपना काम किए, बाद में कटहल खोजना शुरू किए। जहाँ तक उनको संभव था कलकत्ता में कटहल खोजे, लेकिन वहाँ भी कटहल नहीं मिला। लौट करके आए कलकत्ता से, उस व्यक्ति को बोले अभी कटहल का सीजन है, जो कटहल मिलेगा, खोजे नहीं मिला। अब वो आदमी मन में सोचता है गुरु महाराज जी कटहल की मांग किए, उसमें भी पका हुआ कटहल कहीं है, तब न गुरु महाराज जी हमसे मांगे। सदगुरु महाराज तो त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों की बातों को जानने वाले हैं, हमारे सदगुरु महाराज कोई साधारण नहीं है, ऐसे वो समझते थे। हमारे गुरु महाराज तो ईश्वर के सदृश हैं, परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, है तब न गुरु महाराज जी मांगे। मांगे थे हमसे, हम भेज रहे हैं कभी पुत्र को तो कभी किसी और लोग को कि कटहल खोज करके लाइए। हम तो अपना से प्रयास नहीं ना किए, हमको अपना से प्रयास करना चाहिए। आप लोग भी याद रखिएगा, अगर कोई साधु महात्मा आपको कुछ बता दे ना, ऐसा कीजिए तो आप अपने से करने का प्रयास कीजिए। आप दूसरे को अड़ा देते हैं कि चलो हम बैठे रहेंगे, उससे करवा लेते हैं,
और सामने जाएंगे वो सामान लेकर के हम करके आए। कितने चालाक लोग होता है ना, अभी भी बहुत साथी लोग होते हैं, महात्मा के सेवक लोग होते हैं, जब महात्मा बता देती है काम करो, महात्मा तो अपना रूम में ना है, और सेवक लोग इधर दूसरे से काम करवा लेता है, रूम में जाके कहता काम कर दी, हो गया। अब कौन काम किया, गुरु महाराज जाने, वो साधु जाने, सज्जने से चालाक भी बहुत लोग होते हैं। लेकिन वो आदमी कहता है गुरु महाराज जी हमको बोले, हम तो प्रयास नहीं किए, हमको प्रयास करना चाहिए। गुरु महाराज जी पूछेंगे तो क्या कहेंगे, अगर जा करके बोल दिए कि कटहल नहीं मिला, गुरु महाराज जी कहेंगे तू खो जा, हम क्या बोलेंगे तब। इसलिए हमको अपने से प्रयास करना चाहिए। सज्जनों अपने से प्रयास किए, गए सब्जी मंडी भागलपुर के, जहाँ पर सब्जी सब बिकती है, कटहल सब बिकता था, फल सब बिकता था, वहाँ गए। जैसे सब्जी मंडी प्रवेश किए ना, वैसे देखते एक व्यक्ति कुछ ढक करके बैठा हुआ है, हम मक्खियाँ सब भिन भिन कर रहे थे। सज्जन पका हुआ कटहल था भीतर में, तो ऊपर में तो मक्खी लगेगी ना। गए उनके पास, बोले क्या है ढका हुआ, तो बोले कटहल है, पका हुआ कटहल है। इनका हृदय तो गदगद हो गया कि हम अपने से आए खोजने के लिए, तो देखो आज कटहल मिल गया। गुरु महाराज जी जान रहे थे तब ना ऐसा बोले कि कटहल लाओ, पका हुआ कटहल। सज्जन शरीर उसका सिहर गया, शरीर उसका पुलकित हो गया, आनंदित हो गया। एक तो कोई दुख से रोते हैं, उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहती है, ये सुख से रो रहे थे, प्रसन्नता से रो रहे थे, इनकी दोनों आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी। सज्जना बोले कितने कटहल हैं, तो बोले तीन कटहल हैं। बोले तीनों कटहल दे दीजिए। तीनों कटहल खरीद लिए, गए कुप्पाघाट आश्रम, सदगुरु महाराज जी के चरण शरण में रख दिए। हुजूर कटहल लेके आए, गुरु महाराज जी को दिए। गुरु महाराज जी अपने सेवक को बोले कि लाओ थोड़ा खाने के लिए, तो सेवक कटहल का एक कोवा निकाला, गुरु महाराज जी को दिए। तो गुरु महाराज जी खाए कितना, नाखून के बराबर, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा खाए। सज्जन अपने भक्त पर कृपा उनको करना था ना, कृपा करना था, इसलिए कटहल मांगे थे, इसी के माध्यम से उनका भला करना था, उनका कल्याण करना था। तो नाखून के बराबर थोड़ा सा खाए गुरु महाराज जी। अब महर्षि संशी ब्रह्मन जी महाराज सुनाए, वो आदमी इतना गरीब था कि कुप्पा घाट आता था तो उनको रक्षा में देने के लिए पैसा भी नहीं होता था। कभी कभी पैसा होता तो रक्षा से आते थे, नहीं तो रोज भागलपुर बाजार से कुप्पा घाट पैदल ही आते थे। सदगुरु महाराज जी के प्रेमी थे, अब सोच सकते हैं रक्षा में देने के लिए पैसा नहीं, इतना गरीब आदमी था वो। लेकिन हुआ क्या, जिस दिन से गुरु महाराज जी थोड़ा सा कटहल खाए, गुरु महाराज जी की बात को माने न, ये गुरु महाराज के प्रति समर्पण का भाव, ईश्वर का भाव, कि हमारे सदगुरु महाराज जी कोई साधारण पुरुष नहीं है, इस भावना से सदगुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं, ईश्वर की भावना से गुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं। महर्षि संशी ब्रह्मन जी महाराज बताए, धीरे धीरे उनके कारोबार में वृद्धि होने लगी, धन में वृद्धि, संपत्ति में वृद्धि, सभी चीजों में वृद्धि होने लगी। बहुत सारे लेबर उनके अंदर में खटने लग गए, भागलपुर में अफसर को बैठने के लिए ऑफिस बनाए, उनका कारोबार कटिहार में चलने लगा, वहाँ भी लेबर मजदूर, वहाँ भी अफसर को बैठने के लिए ऑफिस बनाए। इतना ही नहीं, कलकत्ता में भी उनका कारोबार चलने लगा, वहाँ भी लेबर मजदूर काम कर रहे हैं, वहाँ भी अफसर को बैठने के लिए ऑफिस। फिर बोले कई बड़े बड़े शहरों में उनका कारोबार चला, कई शहरों में उसका ऑफिस बन गया। गुरु महाराज के प्रति समर्पण का भाव रखा, गुरु की सेवा की, सज्जनों भौतिक उन्नति हुई न। अब संसार में किसी चीज का अभाव है उनको, जिनको रिक्शा पर चढ़ने के लिए भी पैसा नहीं, आज हजारों की संख्या में मजदूर उनके यहाँ खट रहे हैं, कई शहरों में ऑफिस बना हुआ है, ऑफिसर उसमें बैठ करके काम कर रहे हैं, भौतिक उन्नति। सज्जनों संसार में आपकी भौतिक उन्नति होगी अगर सदगुरु महाराज के प्रति समर्पण का भाव रखेंगे, ईश्वर की भावना रखकर उनकी पूजा करेंगे तो। अब आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। सज्जन आध्यात्मिक उन्नति में क्या होगी, याद रखिएगा, आध्यात्मिक उन्नति में आपको सत्संग ध्यान में ज्यादा मन लगेगा,
सत्कर्मों को करने में ज्यादा मन लगेगा, ये बाहर में आध्यात्मिक उन्नति होगी, साथ साथ अपने भीतर में भी जो दिन रात सत्संग में सुनते रहते हैं कि साधक बहुत कुछ देखते हैं, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है, चंदा उगत उदय हो रवि हो धूर शब्द मिल जाता है, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, ऐसा सुनते रहते हैं ना, गुरु महाराज की वाणी में पढ़ते रहते हैं ना, ये सब भी आपके जीवन में घटना घटेगी। ये क्या है? ये आध्यात्मिक उन्नति है। और सज्जना अगर गुरु के प्रति समर्पण का भाव नहीं रहा ना, जीवन बीत जाएगा, न तो भौतिक उन्नति होगी न आध्यात्मिक उन्नति होगी, न तो भौतिक उन्नति होगी न तो आध्यात्मिक उन्नति होगी। इसलिए सदगुरु की शरण में रहिए। कहा जाता है जो शिष्य सदगुरु के सन्मुख होकर के रहते हैं, मतलब उनके बताए मार्ग पर चलते रहते हैं, सदगुरु उनके ऊपर अपनी कृपा की धार छोड़ देते हैं, उसी कृपा की धार से उनकी भौतिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। मैं आपको एक महापुरुष का प्रसंग और सुनाता हूँ। सज्जनों, हम लोगों के भारतवर्ष में एक ही नाम के दो संत हो गए, बुल्ले शाह। आप लोग भी नाम सुने होंगे संत बुल्ला शाह का। एक ही नाम के दो संत हैं बुल्ला शाह। एक बुल्ला शाह हुए हिंदू के घर में, इनके गुरु का नाम यारी साहब। सज्जन, दूसरे बुल्ला शाह हुए मुसलमान के घर में, इनके गुरु का नाम था हजरत इनायत साहब। हजरत इनायत साहब ये भी एक पहुंचे हुए संत थे, फकीर थे। सज्जनों, ये जो मुसलमान घर के बुल्ला शाह थे ना, ये विद्वान भी थे, धनवान भी थे, अच्छे साधक भी थे, अच्छी साधना किए थे। इनके लिए तो यहाँ तक लिखा है, इनकी साधना में इतनी चढ़ाई थी ना, अपने आप को अंधकार से निकाल करके प्रकाश में लेके चले गए थे। परमात्मा के विविध प्रकार के रंगों को देखते थे, रूपों को देखते थे, इतना ही नहीं परमात्मा के विविध प्रकार के शब्दों को सुनते थे, यहाँ तक कि चढ़ाई इनकी हो गई थी। एक बार ये बुल्ले शाह अपने यहाँ कोई विशेष उत्सव किया, उस उत्सव में अपने सगे संबंधियों के लोग को निमंत्रण तो दिया ही, सबको बुलाया ही, साथ साथ अपने गुरु हजरत इनायत साहब को भी निमंत्रण दिया। जिस दिन उत्सव होना था उस दिन हजरत इनायत साहब को कोई इमरजेंसी काम लग गया, इमरजेंसी काम लग गया, तो अपने एक वरिष्ठ शिष्य को बोले कि बुल्ले शाह के यहाँ कोई उत्सव है, हमारे बदले में हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए तू चले जा, हमारे बदले में चले जाओ। सज्जन वो चले गए, हजरत इनायत साहब अपना नहीं गए। बुल्ला शाह देखते हैं गुरु महाराज जी को निमंत्रण दिए थे लेकिन गुरु महाराज जी नहीं आए, अपने वरिष्ठ शिष्य को भेज दिए अपना प्रतिनिधि बना करके, गुरु महाराज जी को अपना आना चाहिए, अपना नहीं आए, ये ठीक नहीं हुआ। गुरु के प्रति ऐसा सोचे सज्जन, इस तरह से गुरु के प्रति कभी नहीं सोचिएगा। अगर गुरु महाराज जी अपना प्रतिनिधि बना करके किसी को भेज दे ना, जिस तरह से गुरु महाराज जी का सम्मान करते उसी तरह से प्रतिनिधि का भी सम्मान करना चाहिए। हम लोगों के यहाँ ये विधान है सज्जन, हम देखे कि आचार्य श्री हम लोगों को कहीं भेज देते न किसी सत्संगी के यहाँ सत्संग करने के लिए, तो आचार्य श्री का जो खातिर करते थे ना उसी तरह का खातिर हम लोगों को भी करते थे, इसलिए कि आचार्य श्री भेजे हैं। और सज्जन, अभी मैं अपनी बात बता रहा हूँ ना, अभी जो समाज में हम लोगों को मानते थे किनके चलते मानते हैं, उन्हीं के चलते मानते हैं। सदगुरु महाराज की कृपा तो है ही, अगर आचार्य श्री के संग में महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज के संग में नहीं आते, आज हमको कोई जानता कोई मानता? कोई नहीं जानता कोई नहीं मानता। मैं अनुभव करता हूँ ना, उन्हीं के साथ में समाज में घुमा हूँ, समाज के लोग हमको जाना है। सज्जना, जहाँ पर आचार्य श्री के सामने में चौकी के नीचे घोलटता था, ऐसे एक जहाजिम बिछा करके सूत जाता था, कहीं जगह नहीं मिलती थी, उनके रूम में सब सेवक लोग सो जाते थे, कहीं कहीं ऐसा होता था शहर सब में। सज्जन, आज वहीं पर जाते हैं ना, जिस चौकी पर आचार्य श्री को सुलाते थे बैठाते थे, उसी पर हम लोगों को भी सुलाते बैठाते। आज वो नहीं जा रहे हैं, सोचते उन्हीं के साथ में रहने वाला है ना, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं,
सज्जन जहाँ कहीं भी भेजते थे आदर होता था, सम्मान होता था, और अभी भी आदर सम्मान हो रहा है उनकी ही कृपा से हो रहा है, उनकी ही कृपा से हो रहा है। लोग समझते हैं न्याचार श्री के संग में रहे हैं कि इनका भी सम्मान होना चाहिए, इनका भी आदर होना चाहिए, और ऐसा भाव रखना भी चाहिए लोगों को, सत्संगियों को। सज्जनों अब देखिए, यहाँ पर बुल्ले शाह के यहाँ हजरत इनायत साहब के वरिष्ठ सेवक प्रतिनिधि बनकर के गए, लेकिन कुछ भी ये सम्मान नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि गुरु महाराज जी को आना था, गुरु महाराज जी नहीं आए, अपने सेवक को भेज दिए। उनके मन में ऐसा हुआ, सज्जनों बैठने तक के लिए भी उनको नहीं बोले, ऐसे कुर्सी लगी हुई थी जनरल जहाँ बैठे हुए थे ना, वहीं जा करके बैठ गए। खाने पीने का समय हुआ तो वहीं जनरल में बैठ करके खा लिए। जब वहाँ से आने लगे उत्सव से तो रोके रुके भी नहीं, एक लोटा पानी भी उनको नहीं पूछे थे, आने के समय पूछ भी नहीं रहे, कह भी नहीं रहे हैं कि कैसे जा रहे, रह जा, होता ना थोड़ा सा आग्रह, कुछ भी नहीं किया इनका। सज्जन दुखी होकर के गुरु के आश्रम में आ गए। हजरत नायक साहब देखते इनका मुँह लटका हुआ, मुख उदास है, बोले अरे क्या हुआ? वहाँ गया तो बुल्ले शाह तुम्हारा खातिर नहीं किया, कुछ सम्मान नहीं किया, आदर नहीं किया। क्या कहता शिष्य, गुरुदेव क्या करते, आपके संग में जाते थे तो खातिर होता था, सम्मान होता था, आदर होता था, अकेले गए तो कुछ हो नहीं हुआ। समझ गए श्री का मुंह लटका हुआ है। सज्जना हजरत इनायत साहब सोचते मन में, मैं अपना प्रतिनिधि बना करके भेजा था, बुल्ला साहब को इसका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया। अभी तक हमारी कृपा की धार उनकी तरफ जा रही थी। आप लोग भी याद रखिएगा, गुरु महाराज जी के बताए मार्ग पर चलिएगा। सज्जन अगर कोई सच्चा साधु है तो उनका सच्चा सम्मान भी कीजिएगा, गुरु महाराज की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। अब क्या होता है, हजरत इनायत साहब कहते चलो अपनी कृपा की धार को मोड़ लेता हूँ। अपनी कृपा की धार को मोड़े, पहले बुल्ले सा आंख बंद करते थे, भीतर में प्रकाश देखते थे, परमात्मा की विभूतियों का दर्शन करते थे, लेकिन आज कुछ नहीं, अपने भीतर में अंधकार देखने लगते। सज्जनों बहुत ऐसे साधक अभी भी मिलते हैं, कहते बाबा पहले दीक्षा लिए थे, ध्यान करते थे ना, भीतर में कुछ देखते भी थे, सुनते भी थे, अभी तो कुछ देखो नहीं करते, सुनते भी नहीं है, कुछ नहीं, बिल्कुल सुनसान है भीतर में, ध्यानों करने में मन नहीं लगता है। सज्जनों क्यों नहीं मन लगता? भीतरे भीतरे समझ लीजिएगा, गुरु महाराज अपनी कृपा की धार को मोड़ लिए। क्यों मोरे? उनके बताए मार्ग पर नहीं चले, सदाचार का पालन नहीं कर रहे हैं, नियमित रूप से सत्संग नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं कर रहे हैं, गुरु महाराज जी नाराज हो गए, नाराज हो गए, अपनी कृपा की धार को मोड़ लिए, इसलिए आप अपने भीतर में देखना सुनना सब कुछ बंद कर दिए, कुछ नहीं आपको दिखाई दे रहा भीतर में, कुछ भी आप नहीं सुन रहे हैं भीतर में। सज्जनाओ जैसे आंख बंद करते बुल्ले साहब तो कुछ भी अपने भीतर में नहीं देखते सुनते हैं, अब तो छटपटाने लग गए, जैसे मनियार शाम की मनी खो जाती छटपटाने लगता है ना, उसी प्रकार से बुल्ले साहब भी छटपटाने लग गए। चले गुरु के यहाँ, इधर गुरु महाराज जी हजरत इनायत साहब द्वारपाल को बोल दिए थे, गेट पर द्वारपाल था, उसको बोल दिए थे कि बुल्ला साहब आवेगा तो अंदर घुसने नहीं देना, कितनों प्रयास करेगा तो अंदर घुसने नहीं देना, और क्या बोले, मैं उसका मुख भी नहीं देखना चाहता। सज्जनों जिस चीज का मुख गुरु नहीं देखना चाहे उसका क्या हाल होगा, सोच सकते हैं? यहाँ तक बोल दिए, जैसे बुल्ला सा गेट पर गया ना, द्वारपाल रोक दिया, बोले अंदर आप नहीं जा सकते, गुरु का ऐसा आदेश, प्रयास किया तो अंतिम में क्या कहता द्वारपाल, हजरत इनायत साहब का यहाँ तक आदेश है कि उनका मैं मुँह नहीं देख सकता, उनका मुंह नहीं देखना चाहता हूँ, उसको कभी भी किसी भी हालत में अंदर घुसने नहीं देना, आप नहीं जा सकते। जैसे ये सुने ना कि गुरु महाराज जी मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते, और दुखी हो गए, अभी प्रण लेते, थोड़ा बदलाव आता है इनके जीवन में। कितने भक्त होते हैं जो अपने जीवन को बदल लेते हैं, लेकिन कितने ढीठ होते हैं, अज्ञानी होते हैं, अपने ही राह पर चलते रहते, गुरु भले नाराज हो जाए तो हो जाए, लेकिन हम अपने राह पर चलेंगे, उनके बताए राह पर नहीं चलेंगे। सज्जना तुरंत इनके जीवन में परिवर्तन हुआ। क्या सोचे, जब तक अब गुरु महाराज जी को हम प्रसन्न नहीं कर लेंगे, उनका दर्शन नहीं कर लेंगे, तब तक अब हम घर का मुख नहीं देखेंगे, मतलब अपने घर नहीं जाएंगे, घर नहीं जाएंगे, सच्चा गुरु भक्त होता है, अपना घर नहीं जाएंगे। सज्जनों क्या होता है, सोचे गुरु को आप प्रसन्न कैसे करेंगे, गुरु को खुश कैसे करेंगे,
हजरत इनायत साहब अपने यहाँ कभी कभी उत्सव कराते थे, उसमें पुरुष वर्ग के लोग भी नाचने गाने के लिए जाते थे, नृत्य करने के लिए जाते थे, कभी कभी महिलाएं सब भी नाचने गाने के लिए जाती थी, नृत्य करने के लिए जाती थी। दो मंडली, पुरुष वर्ग की और महिलाएं सब। सज्जना ये बुल्ला सा सोचते हैं हमको भी नाचने गाने के लिए सीखना है, उन्हीं लोगों के साथ में जाना है, लेकिन पुरुष वर्ग में जाएंगे सम्मिलित होंगे, जब गेट पर जाएंगे तो मुंह देखेगा ना, फिर द्वार पर हमको घुसने नहीं देगा। महिला में सम्मिलित हो जाएंगे, घोग तान करके जाएंगे, फिर द्वारपाल नहीं देखा देखेगा तो हमको घुसने दे देगा, ये ख्याल किया। इसलिए पुरुष मंडली में नहीं जाना है, उसमें प्रवेश नहीं करना, महिला वाला में। महिला वाला में जाने के लिए हमको महिला बनना पड़ेगा, महिला वाला में जाने के लिए हमको महिला बनना पड़ेगा। याद रखिएगा, पुरुष वाला सारा पोशाक उतार लिए, महिला वाला पोशाक पहन लिए, और क्या किए, कान को छिदवा लिए, बाली पहन लिए, नाक को छिदवा करके नथिया पहन लिए, महिला के जितने आभूषण होते हैं ना सारे आभूषण धारा लिए, और तब चले गए महिला वाली मंडली में। जो अध्यक्षा थी महिला मंडली की, चलाने वाली जो थी ना, उनके पास गए, बोले हमको भी गाना है बजाना है, सिखा देंगी आप लोग? कहीं यहाँ तो वही काम होता है, सिखाने वाला काम होता है, सीखो, भर्ती हो जाओ। नाम लिखा है, भर्ती हो गए। लगभग एक वर्ष लगा इनको सीखने में, महिला बन करके। देख लीजिए, गुरु को रिझाने के लिए अगर गुरु भक्त को पुरुष से महिला बनना तो पड़े तो महिला भी बन जाते, बन गए ना सज्जना। संजोग देखिए, हजरत इनायत साहब के यहाँ से उनके यहाँ निमंत्रण आया, उसी महिला मंडली के यहाँ, कि हमारे यहाँ उत्सव है, आप लोग नाचने गाने बजाने के लिए आ जाइए। निमंत्रण गया। इस बात का पता बुल्ले साहब को चला, जो महिला मंडली का अध्यक्षा थी उनके पास गए, कहा हम भी तो नाचने गाने के लिए सीख गए हैं, तो हमको भी आप साथ में ले चल सकती हैं? तो अध्यक्षा क्या कहती, सीख तो ली है तो जाने में कोई दिक्कत नहीं, चल सकती है। तो सज्जनों, जिस दिन उत्सव होना था उस दिन महिला मंडली चली, तो उनको भी साथ में ले ली। जैसे द्वार पर गए बुल्ले साहब, सबका मुंह तो उघार भी था, लेकिन बुल्ला साहब थोड़ा अपना मुंह को ढक ली, ताकि पहचाने नहीं द्वार को, नहीं तो घुसने भी नहीं देगा, थोड़ा ढक लिए। सज्जनों सबके साथ ही घुस गए अंदर, सबके साथ अंदर घुस गए। नाच गान प्रारंभ हुआ, प्रसंग में आया, जितनी महिलाएं थी नाचने गाने वाली सब नृत्य करते करते गाते बजाते थक करके सब विश्राम करने लग, लेकिन बुल्ले साहब ये भी नाच रहे हैं, गा रहे, एक से एक गजल गा रहे हैं। हजरत इनायत साहब सिंहासन में बैठ करके देख रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, ये बार बार गिरते हैं, फिर उठते हैं, संभल करके फिर नाचने लगते हैं, फिर गाने लगते हैं। सज्जनों, अंतिम में हजरत इनायत साहब विचार करते हैं, ये कौन है, सब महिला सब तो नाच नाच करके थक थक करके गा गा करके विश्राम करने लग गई, ये बार बार गिरने पर भी फिर उठ करके नाचने लग जाती, गाने लग जाती, क्या है? सज्जनों याद रखिएगा, सती झूठ बोली तो भगवान शंकर ध्यान लगा करके जान गए थे ना, अब ये कौन, इनको ध्यान लगा करके देखना पड़ेगा। हजरत इनायत साहब ध्यान लगा करके देखे तो पता चला ये तो बुल्ला साहब है, हमको खुश करने के लिए, हमको प्रसन्न करने के लिए, देखो ये क्या क्या किए, सब बात जान के अभी तक ये घर भी नहीं गए, ऐसा प्रण लिए हैं, जब तक गुरु का दर्शन नहीं करेंगे तब तक लौट करके हम घर नहीं जाएंगे। देखो महिला मंडली में भर्ती होकर के महिला वाला वेशभूषा बना करके हमारे तक पहुँचे हैं, देख लिए सब कुछ, अपने सिंहासन पर से उठते हैं, क्योंकि उनको देख लिए ना, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, थक नहीं रहे, मतलब थक गए भी हैं तब भी गुरु को प्रसन्न करने के लिए रोक नहीं रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं। हजरत इनायत साहब गए वहां पर बुल्ला साहब के पास, कहते हैं तो बुल्ला है जी, महिला के वेश में है ना, तो बुल्ला है जी। तो बुल्ला साहब क्या कहते, नहीं गुरु महाराज, हम बुल्ला कहाँ, हम जन्म जन्म के बुल्ला हैं, हम जन्म जन्म के भुल्ला हैं, भुल्ला रहते तो गुरु महाराज हमको छोड़ते, हम तो भुल्ला है इसलिए तो गुरु महाराज हमको छोड़ दिए।
सज्जन ये सब वचन सुन करके हजरत नाथ साहब को रहा नहीं गया, उसी मन को उठा करके अपनी सीना से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। का बोला तू धन्य है, गुरु को प्रसन्न करने के लिए तू महिला का रूप बना करके आया, जाओ मैं अपनी कृपा की धार को तुमसे मोड़ लिया था, तुम्हारे तरफ जाने से रोक दिया था, इसलिए कि हमारे प्रतिनिधि का तूने अपमान किया था, इसलिए मैं अपनी कृपा की धार को मोड़ लिया था, आज से पुनः तुमको अपनी कृपा की धार छोड़ देता, तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ, अब जो भी तू देखता सुनता था भीतर में अब तू देखने सुनने लग जाएगा। सज्जन गुरु की कृपा हो जाए फिर साधक की आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। इसलिए आप लोग याद रखिएगा, सदगुरु महाराज जी ने जो कह दिया सदाचार का पालन करो, सत्संग करो, ध्यान करो, रोज करते रहिए, साधु महात्माओं का सम्मान करते रहिए, गुरु महाराज जी के बताए मार्ग पर चलते रहिए, प्रसन्न हो जाएंगे सदगुरु महाराज जी, अपनी कृपा की धार को छोड़ देंगे, आपकी भौतिक उन्नति भी होगी और आध्यात्मिक उन्नति भी, संसार में भी आपको किसी चीज का अभाव नहीं होगा, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। सज्जनों ध्यान करेंगे तो ध्यान में भी बहुत कुछ देखेंगे सुनेंगे, इसलिए गुरु महाराज जी के मार्ग पर हम लोगों को चलते रहना है, सबका भला होगा, सबका कल्याण होगा। मेरा भी स्वास्थ्य कुछ ढीला है, इसलिए थोड़ा हम ढीला ढीला से बोलते करेंगे क्या सज्जनों, इधर प्रोग्राम का विशेष हो गया ना, बहुत जाना पड़ा, बहुत बोलना पड़ा, थोड़ा स्वास्थ्य मेरा भी बिगड़ गया, साथी का स्वास्थ्य बिगड़ा, सदगुरु महाराज किसी कृपा हुई कि वो ठीक हो गए। 14 तारीख की बात, इसी अक्टूबर को मेरा बहुत बड़ा प्रोग्राम था अमहा में, गम्भरिया के आसपास है अमहा, वहाँ पर बहुत बड़ा प्रोग्राम था, 3 दिनों का था। पहले दिन की बात है, दोनों पाली का सत्संग संपन्न हुआ, हमारे साथी दिवाकर बाबा हैं, कल यहाँ पर बैठा था ना वही दिवाकर, कहा कि बाबा पेट में दर्द हो रहा है, कहा ठीक है उनकी दवाई ले लीजिए। आरती के बाद किसी सत्संगी को बोले थोड़ा कोई डॉक्टर से इनको दवाई दिला दीजिए, पेट में दर्द हो रहा है, कोई विशेष बीमारी होगी तो हमने विशेष डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर से काम चल जाता छोटी मोटी बीमारी में, बोले कि दिला दीजिए दवाई। गए दिलाने के लिए, वो झोला छाप निकला 1 नंबर का फ्रॉड आदमी, ऐसी सुई उनको लगा दिए ना, लगता है कि अब ये उसको लकवा मार देगा, ऐसा उनको हो गया श्वास तौर ऊपर, अब क्या होगा, हम भी तो घबरा गए आए सत्संग करने के लिए, लगता है क्या हो जाएगा नहीं, ऐसा ऐसा छत पर कर रहा था ना, हमको नहीं लगा कि ये बचेगा, गाड़ी पर लेके चले तो गाड़ी पर तो पूरा छत पर करता था, सुपौल ले जाएंगे अब दिखाएंगे, वहाँ से सुपौल नज़दीक पड़ता था, रास्ते में फिर एक झोले छाप डॉक्टर था जो रिएक्शन को काटने के लिए दवाई दिया, रिएक्शन ही किया था उसको, रिएक्शन काटने के लिए दिया सुई, तो कोई शांत हुआ हो, ले गए सुपौल एक साधारण डॉक्टर के पास, एक बच्चा ले गए चला गया, विद्यार्थी संघ में हो गया था, हर बार में निकले थे ना, कोई समझदार कोई जानकार आदमी साथ में नहीं हुआ था, तो एक विद्यार्थी एक साधारण डॉक्टर के पास ले गए, और वहाँ जब ले गए ना तो जिस सुई से उनको परेशानी हुई थी वही सुई वो भी दे दिया, अब वही सुई वो भी दे दिया, अब वहाँ जो करने लगा ना पहले जो करता तो उससे कई गुना ज़्यादा करने लग गया, अब तो उठना बैठना भी इसके लिए संभव नहीं था, कुछ नहीं, बिल्कुल बेहोश हो गया, अब उनका श्वास रुक रहा है, 3-4 बार श्वास तो रुक गया गाड़ी में ले जाने में, अब डॉक्टर के पास जाएंगे तब ना कुछ होगा, उनको जान पहचान तक कोई आदमी पहले से उसमें उनका रहता था, हॉस्पिटल में लाइफ लाइन हॉस्पिटल है उसमें रहता था, वो आदमी को बोला तुरंत वो लेकर के आओ, जो सुला करके ले जाता रोगी को बेड, वो लाया वहाँ पर गाड़ी से निकाले, उस पर दिख रहा ICU में भर्ती किया गया उनको, संजोग से सदगुरु महाराज की कृपा सारे डॉक्टर जो जितने डॉक्टर थे ना वहाँ पर कंपाउंडर सब डॉक्टर सब चारों तरफ से घेर लिए, जब हम गए ना देखे बेड पर श्वास सब बिल्कुल बंद हो गया था, मर गया था, डॉक्टर बोले अब क्या करें, मैंने कहा कीजिए ना इलाज, कोई बात नहीं गुरु महाराज हम लोग हैं जो होगा होगा, लेकिन इलाज आप शुरू कीजिए। हम बाहर निकले उधर सबको निकाल दिया ना इलाज करने के समय निकाल दिया, तब उसका जो रहता वो पैसा वगैरह लेने वाला कंपाउंडर बाहर में लेता ना चिट्ठा बनाने वाला, अब वो कहता है इस पर हस्ताक्षर जब तक नहीं कीजिएगा तब तक इलाज शुरू नहीं होगा, मरेगा तो भी हमको कोई रिस्क नहीं होगा, तो
अंतिम तो लिखना ना पड़ा, इलाजो नहीं करेगा, लिख दिए कोई बात ना, मरी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, लिखना पड़ा, वो तो लिखना ही पड़ता है सबको, लिख दिए। फिर वो बिल लिखने का वाला, पैसा वाला, कितना इसमें लगा, इतना इतना इसमें लगेगा, पूरा एकदम हजारों रुपया का बिल था वो। बोले इस पर भी कीजिए, कोई पैसा लगेगा तो आपको देना पड़ेगा, तो उस पर भी हस्ताक्षर किए। बोले कि जी जितना पैसा लग जाएगा, पैसा का कोई टेंशन नहीं है, पहले तो इनको स्वस्थ कर दीजिए ना, पहले स्वस्थ कर दीजिए, हस्ताक्षर कर दिए, इलाज शुरू हुआ। सज्जन कुछ देर के बाद उनको श्वास लौट, 30% 35% श्वास चल, मतलब धड़कन चल रहा था, श्वास तो नहीं है चल रही थी, धड़कन चल रहा था। तो वेंटिलेटर लगाया, कदे अंतिम लगा जाता मरने वाले व्यक्ति को लगाया, भीतर तक उसको दिया पाइप। और सदगुरु महाराज जी को हम बिदरे बिदरे कह रहे थे, गुरु महाराज जी बहुत जगह आपका चमत्कार सुनाते हैं कि मरा हुआ आदमी को जिंदा कर दिए, ये तो मरिए न रहा है, आप तो जिंदा कर सकते हैं ना, आप तो पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म है। तब भी बोले हे सतगुरु महाराज जी ठीक कर दीजिएगा, इनके नाम पर 7 दिन का ध्यान सत्संग करेंगे। मन में तो कुछ ना कुछ हो ही जाता, ऐसी परिस्थिति थी ना, ऐसी स्थिति थी ना, मन में बहुत कुछ होता था। और सज्जनों कुछ ही देर के बाद फिर समझ लीजिए मर करके जिंदा हो गया, मर करके। हम अपनी आंख से पहले तो किताब में जो कभी पढ़े थे, पत्रिका समय जो पढ़े थे, सत्संगियों सुने वो समझ सुनाते थे, यहाँ तो नजर से देखे मर गया, श्वास श्वास कुछ नहीं चल रहा, नाक के पास दिए ना उंगली, कुछ भी श्वास नहीं चल रहा था, पेट तो बिल्कुल स्थिर हो गया था, श्वास चलता है तो पेट सब वो करते रहता है ना, तो ऊपर कुछ नहीं कर रहा था उनका, बिल्कुल शांत था। डॉक्टर भी बोले आप देखिए जब आपका भगवान बचा ले, गुरु महाराज बचा ले तो बचा ली। सज्जनों डॉक्टर का प्रयास रहा, लेकिन बचाने वाले सदगुरु महाराज जी, सदगुरु महाराज जी बचाए, यहाँ रखिएगा, इसलिए गुरु महाराज कभी नहीं छोड़िएगा।